दोस्तों, अभी मैं एक साइट पे आया हूँ और बिल्कुल आपको बिल्कुल लाइव दिख रहा है कि यहाँ पे सेटिंग फेटिंग सब चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएगा काफी मोस्ट ऑफ साइट, जितना भी साइट होता है सब जगह पे एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिल जाएगा जो कि इस साइट पे हमने नहीं करवाया है। ठीक है, और अदर साइट पे जितना भी घूमी है एक कॉमन मिस्टेक हर एक जगह पे मिल जाएगा। डोर फिक्सिंग के लेकर क्या मिस्टेक मिलेगा कि लोग होता है डोर फिक्स करने के लिए तोड़ देता है इसको, पिलर को, जितना भी कॉलम दिखता है सबको तोड़ फोड़ देता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है और यहाँ पे हमने ब्रिक वर्क करवाया है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ब्रिक वर्क मजबूता ही नहीं होता है, आप इसे तोड़ के बता दीजिए। ब्रिक वर्क का रेशियो होता है, आप स्टैंडर्ड किताब अगर कोई इंजीनियर देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड किताब जाके पढ़ाई कीजिए। स्टैंडर्ड किताब अगर जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो बोलेगा ना कमज़ोर होता है, कभी कमज़ोर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा गेट है जो कि 3.5 फीट का गेट है और आपको देना भी है तो गेट, अगर घर के लिए अगर दे रहे हैं तो इसका जो नॉर्मल जो मिनिमम साइज होता है 3 फीट होता है, तो 3 फीट आप दे सकते हैं। 3 फीट से आप बड़ा भी रख सकते हैं, 3 फीट से घर के लिए छोटा नहीं करना है। ठीक है, और हम इसका एक पर्सनली वीडियो जो साइट के लिए, साइट पे जो क्या साइज रखना है नहीं रखना है उसके ऊपर भी हम बना रखे हैं कि आपका एक बेडरूम का साइज क्या रखना है, गेट का साइज क्या रखना है, A to Z चीज़ हम यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको ब्रिक वर्क कर लेना है 10 इंच का और उसके बाद यहाँ पे डोर फिक्स कीजिए, बिल्कुल नहीं गिरने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस पे पहले से क्लैंप भी लगा के कर सकते हैं। अगर कॉलम में आपको डोर फिक्स करना है तो फिर कैसे करेंगे, जो होता है लोग की बोल देता है कि काफ़ी जो इंजीनियर है, जो कि हम उनका नाम ओपन नहीं करना चाहेंगे, काफ़ी इंजीनियर ने बोला है कि यहाँ पे बोतल डाल दीजिए या फिर जो लक्कर का है वो डाल दीजिए पहले से, ताकि उस जगह पे वो कास्ट ना हो। ठीक है, तो उस जगह पे कास्ट ना हो, तो ये सब आपका गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। वैसे कर भी रहे हैं तो स्ट्रेंथ उसका कम जाता है ना, अगर मान लीजिए बीच में होल निकल गया और चारों साइड से सब कुछ है तो उसका स्ट्रेंथ कम जाता है ना भाई, समझा कीजिए। एक एक स्ट्रेंथ को वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ पे एक लोड देखा जाता है कि अगर आप साइट पे है और एक आदमी भी चढ़ गया तो उसका क्या लोड आएगा। एक एक चीज़, अगर सच में अगर सही इंजीनियरिंग का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सही में एक अच्छा इंजीनियर है तब जाके आपको ये सब देखना पड़ता है। अगर आपने सही पढ़ाई नहीं किया तो कुछ भी कीजिए सब सही है। जितना भी इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं, अगर सही से पढ़ाई नहीं कर रहा तो कुछ भी कर रहा सब सही है। लेकिन हम आपको बता दें जो सही है वो हम बात बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे 10 इंच का ब्रिक वर्क कर लेना है। ठीक है, डोर फिक्सिंग के लिए इसलिए इन्फॉर्मेशन यहीं तक है। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय।